भारतीय क्रिकेट की टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए मंगलवार को ब्रिस्बेन में चौथे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराकर 4 मैचों की सीरीज 2-1 से जीतकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने पास बरकरार रखी है। भारतीय टीम की ऑस्ट्रेलिया में हुई धमाकेदार जीत से महानगर के खिलाड़ियों में भी काफी उत्साह है और यहाँ के खिलाड़ियों ने पिच पर ही खुशी का इजहार किया तथा जीत के लिए भारतीय टीम को बधाई दी। आपको बता दें कि ब्रिस्बेन टेस्ट की चौथी पारी में भारत के सामने 328 रन का लक्ष्य था, जो ऑस्ट्रेलिया के मजबूत आक्रमण के लिहाज से मुश्किल माना जा रहा था, लेकिन शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत की शानदार अर्धशतकीय पारियों की बदौलत भारतीय टीम ने यह टारगेट हासिल किया। शुभमन गिल ने 91, ऋषभ पंत ने नाबाद 89 और चेतेश्वर पुजारा ने 56 रन बनाए। सिराज शार्दुल, वाशिंगटन सुंदर और शुभमन गिल और नटराजन जैसे नए प्लेयर्स ने भी जीत में अपनी चमक दिखाई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्रिकेट के स्थानीय खिलाड़ियों ने कहा। विशाल दुबे, इंडिया बहुत अच्छा खेली है, जैसे हम लोग जान रहे हैं युवा खिलाड़ी बहुत अच्छा खेले हैं और ऐसे ही अच्छा खेलते रहेंगे और 5 विकेट से हम लोग अच्छी जीत हासिल किए हैं, तो ऐसे ही खेलते रहेंगे। युवा को मौका भी मिल रहा है और अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। यहाँ भी आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो क्या आप लोगों की उम्मीद है कि आगे भी आप लोग पहुँचेंगे? हाँ, हम लोग की उम्मीद है कि इंडिया के लिए खेलेंगे एक दिन। विनय सिंह राजपूत, टीम इंडिया जीती है वो भी युवाओं को लेके बहुत अच्छा हम लोग को महसूस हो रहा है। हम लोग भी एक दिन इंडिया के लिए खेलेंगे और ऐसे ही हम लोग भी अपने देश के लिए, देश को प्राउड फील कराएंगे।